हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेडी भाई। तो आज हम लोग बहुत टाइम के बाद हमने अभी वीडियो डालने वाला हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो हम किधर जा रहे हैं खाने के लिए? एज ऑलवेज हम लोग जा रहे हैं मैजिक क्वीन से जाने वाले। तो हम लोग ने 2 500 के 2 वाउचर्स लिए, वो हम लोग को पूरा 0 रुपीज़ में गिरा हम लोग को दोनों। मैंने एक वाउचर को डाला था, 2 वाउचर को 250 रुपीज़ ऑफ के, तो हम लोग को वो पूरा 0 रुपीज़ में मिला है। और ये वीडियो मैं अभी इतने टाइम बाद बना रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि मतलब कुछ समझ रहा नहीं था मैं क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ और मतलब क्या किसे बनाऊँ। ये क्यों यूट्यूब चैनल में चालू किया कुछ ही समझ रहा नहीं था, और ऊपर से कुछ खाने का वीडियो बनाने जाऊँगा तो पैसा भी मतलब लगता है, तो वो तो रहता ही नहीं। उससे जब मैं मैजिक क्वीन से जुगाड़ करता हूँ तभी मैं खाने जाता हूँ और तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ। तो आज फाइनली वो मौका मिल गया है, तो आज हम लोग अभी जा रहे हैं खाने के लिए। एक हंग्री टम्मी रेस्टोरेंट है, उधर सब पिज़्ज़ा बर्गर वो सब मिलता है, तो हम लोग उधर जा रहे हैं। तो उधर हम लोग जाएंगे, फिर हम लोग रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम लोग फूड्स खाएंगे उधर क्या क्या मिलता है। 1000 रुपीज़ में जो मिलेगा हम लोग सब पूरा खाएंगे। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बस से ट्रैवल करने वाले, और हम लोग किधर भी जाते हैं जब खाने बाहर फूड का वीडियो बनाने, तो हम लोग बस से ही जाते हैं। कुछ रिक्शा विक्शा हम लोग नहीं करते क्योंकि पैसे कम रहते हैं। और मैं कभी भी खाने जाता हूँ तो मैं जेब में सिर्फ 10-20 रुपये रखता हूँ, और बाकी मैजिक क्वीन से तो वाउचर रहता ही है, तो पूरा जुगाड़ हो जाता है मैजिक क्वीन से। तो सिर्फ 10-20 रुपये रखता हूँ, वो भी मोबाइल के कवर के पीछे अभी 10-20 रुपये, तो वही हम लोग यूज़ करने वाले और बस से जाने वाले। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग अभी बस से उतर गए स्टेशन में, कांदिवली स्टेशन। और ये रेस्टोरेंट कांदिवली स्टेशन, ये श्रीजी साई पैलेस इधर किधर तो लोकेट करता है। तो हम लोग को अभी थोड़ा चलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहली बार जा रहे हैं वो रेस्टोरेंट में, हंग्री टमी में। और आप कभी भी मैजिक क्वीन से वाउचर लोगे, तो आप पहले उधर वो रेस्टोरेंट में कॉल कर लेना कि इधर वाउचर एक्सेप्ट करता है कि नहीं मैजिक क्वीन से, ऐसे मत ले लेना, फिर ही आप जाना उधर। तो चलो ढूंढते रेस्टोरेंट, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली रेस्टोरेंट में पहुंच गए, आप देख ही रहे हो ये हंग्री टमी। तो अभी हम लोग इधर अंदर जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट वाले से पूछेंगे मैजिक क्वीन के बारे में चलता है कि नहीं, फिर हम लोग फिर हैंड सैनिटाइज करेंगे, फिर हम लोग खाने बैठ जाएंगे। तो ये हंग्री टमी का मेन्यू है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो हम लोग उसके हिसाब से मंगाई, हम लोग को जो नीड होगा वो पेट भरेगा वैसे हम लोग वो मंगा लेंगे। तो चलो देख लेते हैं मेन्यू फिर थोड़ा। तो सबसे पहले हम लोग ने ये डबल डेकर बर्गर मंगाया था 2, तो उसमें 2 पेटीज आते हैं, और मतलब अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स थे, कैबेज, ऑनियन, टोमेटो, फिर बाद में 2 पेटीज थे, फिर चीज़ का स्लाइस था। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। और मेयोनीज और तंदूरी मेयोनीज भी था, तो काफ़ी अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि डाइटिंग वाला बर्गर है। तो टेस्ट में काफ़ी अच्छा था, मतलब थोड़ा हैवी हो गया हम लोग को, पेटी भर गया एक। तो बर्गर खा के हमारा हो गया, तो अभी हम लोग ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। वो पिज़्ज़ा का नाम है पनीर स्पाइसी शेजवान पिज़्ज़ा, जो कि 10 इंच का है, और उसमें बहुत सारे पीसेस है वो लोग ने कट करके दिए। तो पिज़्ज़ा के ऊपर शिमला मिर्च का टॉपिंग है, पनीर का है जो शेजवान में मैरिनेटेड है, फिर ऑनियंस है, फिर ऑलिव्स है, तो और चीज़ भी है। तो काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा है, तो अभी हम लोग उसको ऑर्गेनो वगैरह डाल के, हम लोग सॉस भी डाल के, हम लोग उसको चिली फ्लेक्स डाल के, हम लोग थोड़ा उसको सजाते हैं, थोड़ा और स्पाइसी करते हैं, फिर ही पिज़्ज़ा का टेस्ट आएगा। तो चलो डालते, फिर बाद में अभी हम लोग एक पीस टेस्ट करेंगे कैसा, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये हम लोग ने अभी एक बाइट लिया पिज़्ज़ा का, बाइट लिया मतलब उठाया, फिर अभी बाइट लेते हैं हम लोग। तो पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है, उसका बेस बहुत पतला है तो, और थोड़ा कड़क है उसका ही एक प्रॉब्लम है, बाकी पिज़्ज़ा का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत स्पाइसी है, और उसके प्राइस के हिसाब से पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अभी हम लोग का खा के हो गया मतलब, तो और हम लोग ने 1000 का खाने वाले थे, तो और हम लोग ने सिर्फ 500 का ही खाया, क्योंकि मतलब वो हम लोग ने जो मंगाया था 2 बर्गर डबल डेकर बर्गर और वो
स्पाइसी पनीर पिज़्ज़ा जो 10 इंच का था वो हम लोग को बहुत ज़्यादा हैवी हो गया और हम लोग का मतलब उतने में ही मतलब उतना ही नहीं जा रहा था हम लोग को, तो हम लोग ने ये पार्सल ले लिया है। बाकी का जो बचा था हम लोग ने पार्सल ले लिया, तो हम लोग ने 500 का ही खाया और अभी हम लोग इसको किसको तो दे देंगे इधर सिग्नल पे, जो भी मतलब मिलेगा बच्चा तो कोई भूखा रहेगा तो हम लोग उसको दे देंगे, क्योंकि हम लोग का तो पेट भर गया, अभी उनका पेट हम लोग मतलब घर पे ही नहीं जा सकते, उसलिए हम लोग बाहर किसको दे देंगे बच्चे को जो खा लेगा मतलब कोई भी। तो गाइस अभी हम लोग महावीर नगर आए और अभी हम लोग महावीर नगर में हम लोग फ्रोजन बॉटल करके एक मिल्क शेक का शॉप है, हम लोग उधर जाएंगे, हम लोग कुछ ठंडा पिएंगे मतलब मिल्क शेक वगैरह, क्योंकि हम लोग ने उधर खाया तो हम लोग का पूरा हैवी हो गया वो खाना। तो हम लोग ने दो बर्गर लिया था और पिज़्ज़ा लिया था तो बहुत हैवी हो गया था, तो हम लोग वो पूरी तरीके से खा नहीं सके, तो उसीलिए हम लोग ने वो आधो बचा था हम लोग ने पार्सल ले लिया। वो रेस्टोरेंट वाले को बोला कि भाई थोड़ा पार्सल कर दे इसको, सॉरी लाइट आ रहा है, पार्सल कर दे। तो फिर हम लोग ने वो पार्सल लेके हम लोग ने कोई रास्ते पे जो बच्चे मिले जो भूखे दो, तो हम लोग ने उनको दे दिया वो, तो उनका भी पेट भर जाएगा। तो चलो अभी जाते हैं महावीर नगर में, जैसे कि आ ही गए हम लोग महावीर नगर, तो अभी जाते हैं फ्रोजन बॉटल शॉप में। तो चलो हम लोग मिल्क शेक पिएंगे वहाँ, तो अभी वहाँ बताइए हम लोग ने, तो हम लोग ने दो वाउचर लेते, तो हम लोग ने एक वाउचर कैंसिल कर दिया, रिफंड कर दिया, और हम लोग ने वो वाउचर हम लोग ने उधर खरीदा, तो हम लोग उधर भी मैजिक पिन से ही जाने वाले, तो वो हम लोग को पूरा फ्री में गिरा वो वाउचर भी 500 का। तो गाइस अभी हम लोग महावीर नगर में आ गए फ्रोजन बॉटल के शॉप में जो कि मिल्क शेक का, तो अभी हम लोग जाते हैं अंदर, फिर हम लोग देखते हैं क्या ऑर्डर करना है 500 में, जो भी रहेगा वो जो भी मिल्क शेक रहेगा हम लोग वो पी लेंगे ठंडा ठंडा कुछ भी। तो चलो हम लोग ने डबल स्कूप कैरेमल आइस किटकैट आइसक्रीम मंगाया है और हम लोग ने उसके साथ मिल्क शेक मंगाया जो कि थिक शेक है 500 ml का फरर रोशर। तो अभी हम लोग आइसक्रीम टेस्ट करते, तो अभी लेते हैं एक बाइट आइसक्रीम का। तो आइसक्रीम काफ़ी अच्छा, एकदम बहुत ही ठंडा है और उसके ऊपर जो कैरेमल डाला है और किटकैट के क्रशर डाला है उसके वजह से मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये मैंने पहली बार टेस्ट किया है। तो अभी हम लोग मिल्क शेक टेस्ट करते कैसा है, तो करते हैं बॉटल ओपन। तो मैंने मिल्क शेक पिया तो आया ही नहीं, तो थोड़ा शेक करना पड़ेगा फिर वो आएगा। तो मिल्क शेक भी काफ़ी अच्छा था, अंदर स्कूप था फरर रोस्टर का आइसक्रीम का, तो उसके वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम ठीक था। तो गाइस अभी हम लोग का वो थिक शेक और आइसक्रीम खा के हो गए, हम लोग ने फरर रोस्टर थिक शेक मंगाया था और ये डबल स्कूप आइसक्रीम मंगाया था कैरेमल किटकैट का, तो वो काफ़ी अच्छा था, तो एकदम उधर का मतलब मज़ा आ रहा था उधर खाने के लिए। वो पिज़्ज़ा और बर्गर से अच्छा तो हम लोग ये आइसक्रीम विस्क्रीम खाने में मज़ा आया थिक शेक पीने में। तो अभी सब हो गया, तो अभी मैं आपको बिल भी बता देता हूँ हम लोग ने क्या कितना खाया। तो गाइस अभी जाते घर पे, तो पूरा सब खा पी के हो ही गए, तो चलो वीडियो का एंड करते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मैजिक पिन भी डाउनलोड मार देना, मैं लिंक दे दूंगा। और ये जो हम लोग ने जैसे खाया उसके भी हम लोग रेस्टोरेंट के हम लोग लोकेशन दे देंगे, तो काफ़ी अच्छा था आज का एक्सपीरियंस। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं।